समस्याएं तो बहुत है बेटा, चारों तरफ से समस्याएं हैं आपको। हाँ एक तरफ से समस्या है, एक हाथ कोई दरवाजा सुख का खुला होता तो वो भी नहीं है। सुख जी के चारों रास्ते बंद हो गए हैं, स्वास्थ्य की स्थिति भी डगमगा रही है और मनोस्थिति भी डगमगा रही है आपकी। कर्ज जी की स्थिति बन रही है बेटे, ये हाँ सही सत्य है या नहीं? है। अच्छा ये आपका फलादेश बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ से हो रहा है, सिवनी हाँ हाँ से, और जी यहाँ से आप से कुछ पूछा नहीं जाता, हाँ और मैया की कृपा से जितना आदेश होता है उतना ही बताया जाता है आपको। जी माता और इसमें जितना फलादेश हो रहा है इसमें पूर्णतः सत्य है या नहीं आप जवाब देते जाएंगे। सत्य आपके जीवन में जो परेशानियों का जो अंधकार आया है, जी कष्ट का, वो चारों दिशाओं से आया है बेटे। कर्ज हाँ की स्थिति भी बहुत भयानक बन चुकी है और शत्रु अलग अलग परेशान कर रहे हैं आपको, सही ये सत्य है या नहीं? है सत्य जी और जबकि आपका जीवन बड़ा संघर्षमय है, शुरू से आज तक आप संघर्ष ही कर रहे हैं। हाँ संघर्ष चल रहा है सब, इधर से आओ उधर आओ सब वही बोल हाँ, बस इधर से उठाए इधर पूरा करे, इसकी टोपी उसकी सर, बस यही चल रहा है बेटे आपके जीवन में। हैं जी माता जी। और परिवार से भी उतना सुख नहीं है आपको, माता पिता पक्ष से भी उतना पूर्ण सुख प्राप्त नहीं हुआ जो बच्चों को होना चाहिए, मिलना जी चाहिए। सही बात है जी जब से आपने अपने जीवन में होश संभाला तब से अपने आप को अकेला ही महसूस कर रहे हैं बेटे। हाँ परिवार बना आपका जरूर, आपने बसाया गृहस्थ जीवन, जी लेकिन उसमें भी पूर्ण रूप से सुख और शांति प्राप्त नहीं हुई, उसमें भी तिकड़मय होते रहती है आपकी, छोटी नहीं होती सर वही चल रहा है छोटी बातों पे क्रोधित होना, अपशब्द का उपयोग करना, मतलब बहुत सारे जो कष्ट है परिवार से लेकर के समाज से लेकर के मित्र मंडली से, सब धोखा ही दिए हैं आपको। सब वही चल रहा है जी। जबकि आपने सबके लिए हित का ही सोचे हैं, किसी का आपने बुरा नहीं चाहा है अपने जीवन में, कि चाहा है आपने, बताइए। अपन चाहते हैं हाँ, और इस संपूर्ण कष्टों का मूल कारण है आपका चंद्रमा हाँ प्रताड़ित है, आपका मन प्रताड़ित है, और शत्रु बाधाएं और शत्रु प्रयोग भी आपके जीवन में जम के लगी हुई है बेटे। जी जबकि आप अपने स्तर से विद्वान हैं, ज्ञानी भी हैं, तर्क हाँ को भी बहुत अच्छे से जानते हैं आप अपने जीवन में सभी हाँ के लिए भला चाहे हैं, लेकिन आपके हित के लिए किसी ने भी नहीं सोचा। नहीं सोचते हैं जी आपके अपने मित्र में कुछ गिने चुने एक ही दो मित्र हैं जो आपके हित का चाहते हैं, आपका भला चाहते हैं बस, और वो कौन है आप जान रहे हैं। मित्र और जब वे मित्र की कृपा आपके ऊपर होती है कि आपका जीवन भी सुखमय व्यतीत होता, आप भी सुख के मार्ग को प्रशस्त करते, उच्च शिखर में आप प्राप्त होते, ऐसा जब आपके मित्र की भावना आपके ऊपर जागृत हो रही है, इसका मतलब ये है कि भगवान की कृपा आपके ऊपर हो रही है। जी आप जितना भी थोड़ा बहुत चलती फिरती भक्ति कर लेते हैं बेटे, बैठ के जाप कर रहे हैं, ये सब आप नहीं करते, चलते फिरते नहीं नमस्कार करते हैं भगवान को, ये सत्य है या नहीं? तो सही है जी आप चलते फिरते भी भगवान को कभी कभार भी नमस्कार कर लेते हैं, उसी नमस्कार का शुभ फल प्राप्त हुआ है कि उनके ही कृपा से, उन्हीं की कृपा आपके मित्र के ऊपर हुई है, और उनकी ही प्रेरणा से आपके अपने सगे हितैषी मित्र ने आपको आपके जीवन में शुभ फल प्राप्ति का मार्ग चुनने के लिए आपको प्रेरित किया। जी आज जो बात हो रही है माँ बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ में, ये आपके ही पूजा पाठ, चलती फिरती जो भक्ति है करते हैं आप, इसी हाँ भक्ति के पुण्य प्रताप जब जागृत हुए हैं तब आपको मैया का सानिध्य प्राप्त हुआ है बेटे। जी माता जी हाँ क्योंकि ना कभी कभी तो आप इतने हताश हो जा रहे हैं कि मरने की चेष्टा करते हैं कि अब मैं थक गया जिंदगी से सबके लिए करते करते मैं थक गया, तो अपने आप को बड़ा हताश समझ रहे हैं आप। जी सोचने जबकि क्या में थोड़ा बेटे, सोच सा सोचने में आ जाते हैं, सोचने में आ जाते हैं थोड़ा लेते हैं, कई बार सोच लिए हैं आप, जी और इसी विचार को चलते चलते भी सोचते हैं तो रास्ता कहीं चलता है, आपका दिमाग कहीं चलता है। जी
ऐसी विषम परिस्थिति में आपको धैर्य पूर्वक भगवान की भक्ति करके, माँ भगवती मैया की आराधना करके आपको सुख प्राप्त होना चाहिए।